औरंगाबाद में सदर अस्पताल से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि लगभग 50 वर्ष के एक अज्ञात शख्स जिसकी हालत खराब देखते हुए किसी ने उसे सदर अस्पताल पहुंचा दिया और चलता बना। बाद में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उसका आंशिक इलाज कर अपने एम्बुलेंस कर्मी एवं एक स्ट्रेचर मैन को उसे शहर से दूर किसी गांव के निकट छोड़ जाने की बात कही गई। फिर क्या था, एम्बुलेंस कर्मी एवं स्ट्रेचर मैन ने अपने अधिकारी की बात मानते हुए उसे एम्बुलेंस में टांग कर ले गए और उसे बारून थाना क्षेत्र के पोखराही गांव के समीप एक झाड़ी में फेंक दिया और वहां से खिसक गए। बाद में एक पुलिस को झाड़ी में एक शव के फेंके जाने की सूचना मिली, जिसके बाद बारून थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और 12 नवंबर को शव बरामद कर कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने बरामद शव से सदर अस्पताल का बेडशीट पाया। मामले की तहकीकात करते हुए बारून थाने की पुलिस ने थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में सदर अस्पताल के एक स्ट्रेचर मैन और एक एम्बुलेंस कर्मी को हिरासत में लिया और मामला परत दर परत खुलता गया। गुरुवार किशन 5 बजे मामले के अनुसंधान के क्रम में जब पुलिस ने सख्ती से घटना के बारे में एम्बुलेंस कर्मियों से पूछताछ की तब पूरे मामले का खुलासा हो सका। पुलिस ने पूरे मामले का सदर अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया और युक्त फुटेज में हिरासत में लिया गया। स्ट्रेचर मैन युक्त मरीज को एम्बुलेंस में लादता नजर भी आया और एम्बुलेंस मरीज को लेकर बाहर जाता भी दिखा। एम्बुलेंस कर्मी ने पुलिस को दिए गए हैरान करने वाले बयान में कहा कि मरीज को अस्पताल के वरीय एक अधिकारी द्वारा सड़क किनारे छोड़ने के लिए कहा गया था। फिलहाल पुलिस ने एम्बुलेंस कर्मी एवं एक स्ट्रेचर मैन जो युक्त मरीज को एम्बुलेंस में लेकर गया था उसे हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। इधर जब इस मामले के बारे में सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई बताते हुए पूरे मामले की जांच की बात कही है और कहा कि पूरे मामले में जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सादा पेज मिल जाएगा। सुनिए ना, क्या मामला था इसमें? देखो सादा पेज दीजिए। एक अज्ञात डेड बॉडी मिला था के पास में, लपेटा हुआ था, पहचान नहीं हुई उसकी, उसके संबंध में जांच किया जा रहा है, पहचान करके कोशिश किया जा रहा है कहाँ का है और इस हालत में वहाँ पहुँचा, इसका भी जाँच किया जा रहा है। सर कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? डेड बॉडी कहाँ फेंका गया था? गांव के पास। कहाँ से डेड बॉडी को ले गया था? अभी सब जाँच कर अस्पताल से एक अज्ञात मरीज को लेकर एम्बुलेंस के द्वारा बारून के किसी क्षेत्र में फेंकने का मामला सामने आ रहा है और उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने उसके शव को बरामद भी किया है। क्या है पूरा मामला सर? इस बारे में बहुत जानकारी तो नहीं है हमको, लेकिन आप लोगों से ही जानकारी मिली हमको और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि परसों के दिन जो है किसी अज्ञात व्यक्ति जो यहाँ आया हुआ था, बीमार अवस्था में था, उसको एम्बुलेंस के द्वारा कहीं पर छोड़ने की बात कही गई कि उसको जाकर के छोड़ देना है और मालूम हुआ कि उस व्यक्ति को बारून के पास कहीं एम्बुलेंस वाले ने छोड़ दिया, छोड़ के चला आया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको जांच कराने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह की घटना अगर होती है तो हमारे अस्पताल, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो है एक सवाल उठता है। इसमें हम लोग जांच कराएंगे पूरी अच्छी तरीके से और जो भी इसमें दोषी होगा हम लोग उसको दंडित करने का प्रयास करेंगे। फेंके जाने का मामला है आप लोग के पास? हम जी सुबह के समय था लगभग 11 बजे, जो इमरजेंसी वहाँ पे जो पीके मेडिकल के सामने हम लोग खड़े थे, 4 वहाँ पे खड़े थे, एक था जितन राम जी EMT, एक गोपाल सिंह EMT, सॉरी गोपाल सिंह ड्राइवर, मैं हो गए, एक संदीप कुमार ड्राइवर वहाँ पे खड़े थे। तो DS साहब वहीं से वहाँ पे आए तो बोले कि देखिए ना, हम ये चारों से बोले कि देखिए ना, दो गो एक मेंटल है कई दिन से पड़ा हुआ, से इन लोग के कहीं देहात में जाके आप कहीं इन लोग को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो वहाँ से हम वो DS वहीं पे DS सर भी थे, तब तक एक नेगा विधा के पेशेंट आ गया, तो बोले कि सर हम लोग चारों से ही बोले कि सर आप लोग हम लोग को छोड़ दीजिए ना, रुक जाइएगा भाई, हम लोग को छोड़ दीजिए ना। तो बोले ना कि ठीक है हम लोग छोड़ देते हैं, तब तक बोले कि सर हम जा रहे हैं नेगा बिहार से, इन लोग मदनपुर से जाए हैं गाड़ी से, इन लोग छोड़ देंगे उनको पेशेंट को, ठीक है ना सर।
इसके बाद में हम लोग लगवा दिए यहाँ पे एम्बुलेंस इमरजेंसी के पास में। तो यहाँ पे हेमंत सर फोन किया, हेमंत सर फोन किया, आउटसोर्स सिंह पास के तीन गो आउटसोर्स सिंह में ये थे, आपका पार्टनर का नाम है जी बताइए कौन कौन है, तीन गो थे आउटसोर्स सिंह के लादने वाले, नाम तो हम ना जानते, यह बताएंगे बताओ बढ़ाइए।